the conveyor belt moves the sugar canes to the crusher. Yeah, so this is the crusher. ये उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा शुगर केन का एकदम बारीक तैयार किया हुआ है, मगर जूस अभी भी इसी के अंदर है, जूस अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया। चैनल फार्मिंग इंजीनियर, आज हम हैं, जैसे कि वीडियो का इंट्रो देख के आप भी समझ ही चुके होंगे कि आज हम शुगर फैक्ट्री में आए हुए हैं। आज यहाँ पे आपको बताएंगे कि शुगर कैसे तैयार होती है। ये गन्ना है मेरे हाथ में, गन्ना जैसे ही फार्म से हार्वेस्ट होता है उसके बाद आगे क्या क्या प्रोसेस होती है और शुगर आपके प्लेट तक कैसे पहुँचती है, तो ये पूरा प्रोसेस हम आपको आज यहाँ पे दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स गणपति संघ एंड प्रभाकर बाबा पाटिल फॉर लेटिंग अस शूट द वीडियो फॉर मेकिंग द प्रोसेस ऑफ शुगर। तो सबसे पहला स्टेज होता है वेइंग स्टेज। तो जैसे ही कोई बैलगाड़ी या फिर कोई ट्रैक्टर आता है तो उसका वज़न किया जाता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ गन्ना वो लेके आया है फार्म से। उसके बाद उसकी आगे का बिलिंग करने के लिए प्रोसेस होता है। तो अब चालू करते हैं कि अपना प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले गन्ना जो है वो अनलोडिंग डॉकिंग स्टेशन पे लाया जाता है। वहाँ पे ऑटोमेटिक क्रेन्स है, वो क्रेन्स डायरेक्टली ट्रॉली से ट्रैक्टर से वो पूरा गन्ना उठाती है और लोडिंग स्टेशन पे उसको डंप करती है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह से ये लोडिंग हो रहा है इसका। दो टाइप का कन्वेयर है यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक तो है कि गन्ना जो लोड किया हुआ है वहाँ से नीचे कन्वेयर पे लाने के लिए, और दूसरा मूविंग कन्वेयर है जो इस गन्ने को आगे क्रशर में लेके जाएगा। अब क्रशर क्या होता है? क्रशर वो मशीन है जहाँ पे बारीक टुकड़ों में इसको श्रेड किया जाता है, कट किया जाता है। आफ्टर अनलोडिंग द कन्वेयर बेल्ट मूव्स द शुगर केन्स टू द क्रशर। सो दिस इज द क्रशर। ये उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा शुगर केन का एकदम बारीक तैयार किया हुआ है, मगर जूस अभी भी इसी के अंदर है, जूस अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पे चार सेट ऑफ रोलर्स हैं जिसमें से इस जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जूस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये रोलर्स लगे हुए हैं। एक बार पूरा फैक्ट्री का विजिट ऊपर से देख लेते हैं, टॉप व्यू। जो भी हमारा क्रश किया हुआ शुगर केन था वो शुगर केन रोलर्स के थ्रू पास होता है और पूरा जूस जो है वो नीचे की तरह सेपरेट होता है। और जो बगैस जो है, अब ये जो जूस निकालने के बाद जो शुगर केन बचा हुआ है उसको बगैस बोलते हैं, तो वो बगैस आगे मूव होता है। जूस को पंप आउट किया जाता है इस तरह से, मतलब जितना भी जूस निकला है वो इसको स्टेज बाय स्टेज बैरल भरने के बाद उसको कंटिन्यूसली पंप किया जाता है। पंप करने के बाद वो पाइपलाइन की तरह पाइपलाइन से मूव किया जाता है। तो ये यहाँ पे आप पाइपलाइन देख सकते हैं, इस पाइपलाइन से ये आगे की तरफ जाता है। सबसे पहले तो फिल्टर आउट होता है, जितना भी बड़ा बड़ा कचरा या फिर शुगर के इनका कुछ पीसेस आया तो वो निकल जाता है। अब पहले आपको मैं समझाता हूँ कि बगैस जो है, जो बचा हुआ पीस है, वो कहाँ जाता है और उसका क्या रोल है। तो ये इस तरह से ड्राइड आउट जो है इसके अंदर का पूरा जूस निकाल दिया, तो ये मूव करता है ऊपर की तरफ, ये जाता है थर्ड फ्लोर पे। तो इस फैक्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये फैक्ट्री सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब इसको बाहर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। तो इनके पास बॉयलर्स हैं, उस बॉयलर्स को रन करने के लिए ये बगैस का यूज़ होता है। ये जो पाइप्स आप ऑरेंज कलर की देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ से बगैस को नीचे पुश किया जाता है, और नीचे ये फायर पिट्स हैं, अलग अलग फायर पिट्स हैं जिसके अंदर आग जलती है। और वो आग क्या करते हैं, इस पानी को गर्म करके उसकी स्टीम जनरेट करते हैं, और वो स्टीम थ्रू आउट द प्रोसेस उस स्टीम से स्टीम का यूज़ किया जाता है ये पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए। ये स्टीम का आउटलेट आप देख सकते हैं। तो जो पूरा स्टीम जो है वो फैक्ट्री में मूव होता है इन स्टेनलेस स्टील की जो पाइप दिखी है, ये कोटिंग किया हुआ पाइप है।
और जो लेफ्ट आउट बगैस है, जो एक्सेस बगैस होता है, वो निकाल के बाहर डंप किया जाता है। इसका यूज़ एक ये होता है कि जिस टाइम फैक्ट्री बंद हो और स्टार्ट करनी है, तो इनिशियल स्टार्टिंग के लिए ये बाहर से बगैस उसको सप्लाई कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है जूस का। अब हम आते हैं कि जूस का क्या हो गया। तो जो ये ग्रीन टैंक और ग्रीन पाइप दिख रही है, तो हमारा जितना भी जूस है एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये ग्रीन टैंक में आता है। ग्रीन टैंक से ये मूव होता है ग्रीन पाइप्स के थ्रू। हमें सिर्फ करना है कि ग्रीन पाइप को फॉलो करना है, तो हमें पता चलेगा कि जूस कहाँ कहाँ पे मूव हो रहा है। तो ये अगले स्टेज पे आ गया है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इस जूस को 110 डिग्री पे बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद 2 to 3 hours इसको इस टैंक के अंदर सेटल किया जाता है। सेटल करने से ये हो जाता है, तो जितना भी इसका हैवी पार्टिकल्स और जितना भी मड या कुछ है वो सब पूरा नीचे सेटल हो जाता है और क्लियर जूस ये ऊपर रह जाता है। तो ये आप यहाँ पे देखिए किस तरह से क्लियर जूस जो है वो एक अलग किया जाता है, ऊपर का लेवल लेयर और नीचे का लेयर जाता है आगे की प्रोसेस में आपको दिखाते हैं। सो दिस इज़ द क्लियर जूस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द मिक्सचर एंड देन दिस सेडिमेंट जो नीचे का भी जितना भी सेटल हुआ वो पार्ट है वो इन रोलर के ऊपर स्प्रे करके इस तरह से वो निकाला जाता है। तो आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा, हमने अपने खेतों में जो डाला हुआ था वही मई, इसको मई बोलते हैं। ये ऐसे कन्वेयर की तरह, कन्वेयर के ऊपर से पीछे ट्रक लगे हुए हैं वो, तो ट्रक में सीधा अनलोडिंग होता रहता है उसका। उसके बाद जो शुगर के, शुगर का जूस है वो आता है इन 5 टैंक के अंदर। जैसे आप यहाँ पे लाइन में देख रहे हैं 5 टैंक्स है। 5 टैंक का प्रोसेस काम ये होता है कि इस जूस को बॉईल किया जाता है। तो दीज आर द रिजल्ट विच वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितना बॉईल करने से उसकी विस्कोसिटी में कितना फ़र्क पड़ता है आप देखो। और ये 5th टैंक का विंडो है, फाइनल स्टेज जहाँ पे उसकी थिकनेस बढ़ गई आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देन जो पूरा भी जूस है वो जूस थिक किया हुआ जूस जो है वो नेक्स्ट स्टेज में लाया जाता है। तो यहाँ पे उसका एक्चुअल में क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे भी जब आपने घर की शुगर आप चेक करो वो स्क्वायर स्क्वायर या उसको 8 sides होती है एक्चुअली उसकी। तो 8 side के शेप वो कैसे अटेन करता है उस वो यहाँ पे पता लगेगा। तो यहाँ पे भी अलग अलग टैंक्स हैं, इसमें भी इस शुगर सिरप को बॉईल किया जाता है और साथ में इसमें न्यूक्लियाई ऐड कर किया जाता है। न्यूक्लियाई एक्चुअली शुगर ही होती है, शुगर उसमें इसमें थोड़ी ऐड की जाती है ताकि उस शुगर को कॉपी करके बाकी का जितना भी सिरप है उसके अंदर जो भी शुगर अवेलेबल है वो क्रिस्टल फॉर्म ले ले उसका, शुगर का क्रिस्टल फॉर्म ले ले। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे भी 5 stage पे उसको और बॉईल किया जाता है। उसकी आपको कितनी साइज़ चाहिए शुगर की वो यहाँ पे उसके बॉइलिंग के ऊपर डिसाइड होती है। तो इसको तब तक के लिए बॉईल करना है जब तक हमें एक्चुअल हमारी साइज़ नहीं मिल जाती। तो ये अभी बहुत बारीक है, ये फाइनल साइज़ है। फिर इस तरह से टैंक में से इसको बाहर निकाला जाता है, इसके अंदर अच्छा खासा शुगर के क्रिस्टल्स तैयार हो चुके हैं। नाउ दिस इज़ द फाइनल स्टेज वेयर शुगर क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द मोलासेस। तो ये कैसे होता है, ये एक रोटरी टैंक है जिसके अंदर 1200 RPM पे इसको घुमाया जाता है और ऊपर से वो जो हमारा शुगर का मोलासेस है वो सब पोर किया जाता है इसके ऊपर, और स्टीम, हॉट स्टीम जो है वो भी इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, हॉट वाटर स्प्रे किया जाता है। तो जितना भी मोलासेस है वो अलग हो जाता है और हमारा शुगर जो है वो अलग हो जाता है। तो दिस इज़ द स्टेज वेयर जो हमारा शुगर तैयार हो चुकी है वो शुगर उस रोटरी ड्रम में से निकल के नीचे कन्वेयर बेल्ट पे आ जाती है। इस कन्वेयर के 2 काम हैं, एक तो इसको मूव करना आगे की तरफ, जो भी शुगर है उसको वो कन्वेयर आगे मूव करता रहता है, और दूसरा काम ये है कि इसके अंदर के जो बड़े पीसेज होते हैं या छोटे पीसेज होते हैं उसको सेग्रीगेट करना, उसको अलग अलग साइज में अलग अलग स्टेप पे इकट्ठा करना। तो दिस इज़ द फाइनल आउटकम, दीज आर द शुगर क्रिस्टल्स। अभी और इसको फिल्टर आउट होना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े पीसेज अलग हो गए हैं, नीचे की जो जाली है उसके अंदर छोटे पीसेज हैं और उससे नीचे जाली है उसके अंदर पाउडर है। तो 3 अलग अलग लेवल पे सेग्रीगेट होके फिर ये आगे मूव होता है पैकिंग के लिए। तो कन्वेयर से उसको लिफ्ट आउट करते हैं ऊपर की तरफ और वहाँ से नीचे अलग अलग साइज़ में सेग्रीगेट करके अलग अलग बैग्स में भरा जाता है। तो ये अभी पूरा प्रोसेस मैनुअल है, यहाँ पे इनका ऑटोमेटिक का सिस्टम पूरा तैयार हो रहा है। तो इसके बाद ये सारा जो शुगर पैकिंग एंड ऑल है वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 किलो का एक बैग ऐसे तैयार करते हैं ये।
और फिर इसको मैन्युअली अनलोड किया जाता है। इसके लिए एक स्टोरेज टैंक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने एक ये कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि शुगर आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, आप कितना स्टोर कर सकते हो, कितना बेच सकते हो, तो उस गाइडलाइंस के हिसाब से ही इसको वर्क करना पड़ता है। आप निकाल के जैसे इस साल पूरा तैयार हो गया तो उसी साल आप पूरा बेच नहीं सकते, क्योंकि शुगर एक एसेंशियल कमोडिटी बन चुकी है। शुगर अगर ऐसा ना हो कि अगर शुगर की जो फैक्ट्रीज हैं उन्होंने पूरा माल बेच दिया और कुछ लोगों ने वो स्टॉक करके रखा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, शुगर के प्राइजेस बढ़ जाएंगे, जो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए वो शुगर का बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जाता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना मार्केट में आ रहा है और कितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये स्टोर होता है, ये बहुत ही बड़ा स्टोर है इनके पास। 100,000 मेट्रिक टन के ऐसे 4 स्टोरेज कैपेसिटीज हैं इनके पास। तो यहाँ पे ये पूरा एंड ऑफ द सीज़न पूरा फिल आउट फिल हो जाता है और जितना जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो बाहर निकालते रहते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस शुगर बनाने का। हमने देखा शुगर केन से पूरा शुगर कैसे बनता है, कहाँ पे तैयार होता है, कहाँ पे स्टोर होता है। अगर आपको पसंद आया और हाउ इट्स मेड की और आपको वीडियोज़ देखनी है कि क्या क्या कैसे कैसे बनता है, तो आप मेरे को बताओ, हम वैसी वीडियोज़ और बनाएंगे। और अपने दोस्तों के शेयर के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।